राम जी दादा। जय राम जी। मेरा नाम भगवान सिंह पवार है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आपका परिचय देंगे आप? हाँ सर, मेरा नाम पीरूलाल विश्वकर्मा है और मैं कल्पनी गांव का रहने वाला। कल्पनी के रहने वाले? हाँ। आप क्या कर रहे हैं खेत में अभी? अभी टी गार्ड लगा रहे हैं। अच्छा, टी गार्ड लगा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दोगे आप हमें? हाँ देंगे सर। कैसे क्या बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा बताना आप हमें। हाँ। तो भैया इसमें सामग्री क्या लगती है अपने? इसमें एक तो ये बड़ा डंडा थोड़ा। हाँ। और एक ये छोटा डंडा। अच्छा, इससे थोड़ा छोटा। हाँ। और एक रस्सी। अच्छा, ये रस्सी लगती है। हाँ, ये चारों तीनों चीजें लगती है। तीनों चीजें लगती है बस। भैया इसे जो टी गार्ड जो आप लगाते हैं तो इसको कैसे क्या बनाते हैं थोड़ा बताइए आप। हाँ बताएंगे सर। ये जो बड़ा डंडा है, हाँ, इसको तो ऐसे ले लो, और जो अपना छोटा डंडा है, हाँ, इसको यहाँ पे, हाँ, और ये एक रस्सी, हाँ, इससे इसको अच्छा कस के, अच्छा रस्सी से इसको बांध देते हैं, कस के बांध दो अच्छा गट्टा, हाँ, ताकि ना यहाँ पे ये इधर से नम सके और ना इधर से नम सके। अच्छा, दोनों तरफ से नहीं लगे? दोनों तरफ से नहीं लगे। जीवन के अपना टीका ये बांध दिया। हाँ। और जीवन के अपना टीका जैसे ये ऐसे ऐसे हिलना चाहिए। अच्छा, इतना गट्ठा बांधना चाहिए इसको। अच्छा, मतलब इस पर अगर पक्षी उक्षी अपने बैठेंगे तो हिलेगा नहीं। हाँ। तो भैया इसको आपने जैसे टीका तो बना लिया ये बांध दिया। हाँ। अब इसको आप कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे थोड़ा बताएंगे आप? हाँ बताएंगे सर। बताइए फिर कैसे। तो सर मैं आपको ये गाड़ के दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसे गाड़ते हैं इसको। अच्छा, ऐसे इसको जमीन में गाड़ते हैं? हाँ। अच्छा, ये गाड़ दिया? ये गाड़ दिया। गड़ गया अभी अपना? हाँ, ये अपना टी गार्ड गड़ गया। अच्छा, इसको बस जहाँ मतलब जगह खाली हो अपने बीच में सोयाबीन के वहाँ पे लगा दे। हाँ। अच्छा, आप टी गार्ड जो लगाया आपने तो ये कैसे मतलब कितना ऊँचा लगाएंगे आप खेत में इसको फसल से? इसको जैसे अपनी फसल कितनी बड़ी हो। हाँ। फसल से कम 1.5 फीट ऊंचा लगाना चाहिए। अच्छा, फसल अपनी मतलब कितनी बड़ी हो 1.5 फीट उससे ऊंचा होना। हाँ। चाहिए। अच्छा, ताकि तो 1.5 फीट ऊंचा रहेगा तो उससे क्या होगा? अपने 1.5 फीट ऊंचा रहेगा तो जो अपने पक्षी और ये जो भी इन पे बैठेंगे। हाँ हाँ। पशु पक्षी। हाँ। तो वो क्या है कि आसपास का जैसे ये अपने जो कीट है। हाँ हाँ। उनको देख सके। अच्छा, उनको देख कर यहाँ बैठ के फिर खा जाए। हाँ। सावधानी क्या है? सावधानी इसमें क्या है वो बताइएगा। इसकी ये सावधानी है सर। हाँ। कि जो अपन ने ऊपर डंडा बांधा। हाँ। ये रस्सी से। हाँ। ये गट्ठा बनना चाहिए राइट। अच्छा। हाँ, हाँ। तो अगर इधर पक्षी बैठे तो ये इधर नहीं नामे। हाँ। और इधर बैठे तो इधर नहीं नामे। अच्छा, किधर भी बैठ सकता। हाँ। पक्षी। हाँ। और जो एक और अपन ने ये डंडा गाड़ा। हाँ। इसको इतना गाड़ना चाहिए कि ये जैसे बारिश से हवा से गिरे नीचे नहीं गिर सके। अच्छा, ताकि इस पे पक्षी बैठ के आराम से और आसपास इल्ली खा सके। हाँ। अच्छा, इसमें और सावधानियाँ क्या है अपने? और भी सावधानी है नहीं सर। क्या? जैसे अपने फसल में फली वली आने लग गया। हाँ, जब फल आने लग गया। हाँ। तो इसको निकाल देना चाहिए। क्यों निकालते हैं फिर इसको? इसको इसलिए कि अगर वो पक्षी फिर इस पे बैठेंगे। हाँ। तो अपना फल खाएंगे, फली खाएंगे इसमें से। अच्छा, फिर इस पे बैठ कर वो फलियाँ भी खाने लग सकते हैं। तो उससे अपना फल का नुकसान होगा, उसमें अपने को भी नुकसान होगा। अच्छा, टी गार्ड जैसे आपने अभी लगा रहे हैं आप खेत में, तो कितना लगाएंगे आप इसको एक एकड़ में? एक एकड़ में ये कम से कम 10 से 12 लगाने से। 12 लगाएंगे आप? हाँ। 10 से 12 एक एकड़ में। हाँ। यानी कि 1.5 बीघा में आप 12 लगाएंगे। हाँ। अच्छा भैया, इसको अपने जो टी गार्ड लगाया इससे अपने को लाभ क्या है? इससे अपने को बहुत सारे लाभ है सर। जैसे अपने खेत में इल्ली नहीं पड़ी। हाँ। उससे पहले अगर इसको अपन ने खेत में लगा दिया तो वो अपने खेत की जो इल्ली है। हाँ। वो पक्षी इस पर बैठ कर नष्ट कर देते हैं। जैसे ही शुरुआत होता है मतलब ये पड़ने लगती है। हाँ। तभी इसको अपन लगा देते हैं तो पक्षी इस पर बैठ बैठ के सारी खेत की इल्ली खा जाते हैं। हाँ। फायदा। हाँ, फायदा होता है ना सर। एक स्प्रे की बचत हो जाती है। उससे अपने को पहला स्प्रे नहीं करना पड़ता। पहला स्प्रे नहीं करना पड़ता है। और क्या फायदे इसके अपने को? और फायदे सर इसमें और भी फायदे हैं कि ये इसमें अपने कोई पैसे वैसे नहीं लगते। हाँ, जैसे अपने घर का काम में तो इसमें से पैसे की बचत होती है। हाँ। और अपने खेत की जो ये कीट है। हाँ, ये भी खत्म हो जाते हैं। इससे हम लोग को बहुत फायदा। हाँ सर। तो दादा आप इसके बारे में जो अपने और अन्य किसान भाई हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी को ये टी गार्ड लगाना चाहिए। इससे अपने खेत की जो वो कीट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे एक खेत के बाद एक और खेत में रहेगा तो दूसरे खेत के कीट अपने खेत में वापस नहीं आ पाएंगे।
तो सभी को ये लगाना चाहिए टी गार्ड, इसमें अपने पैसे की बचत है और घर का काम है अपना। सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि सभी टी गार्ड लगाएं, इससे अपने को पैसे की बचत है और अपने खेत के जो कीट है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो सभी से यही अनुरोध है कि सब टी गार्ड लगाएं। दादा, आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को जो टी गार्ड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जय राम जी। जय राम।